नमस्कार। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पर पढ़ रहे थे, आज हम इसके पहले अपने जहां तक देखा था, हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था मनरेगा। हम लोगों ने इसके पहले जो है मनरेगा टॉपिक पे क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित क्षेत्र जो है उसका जो डिवीजन है, बंटवारा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सबसे पहले दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दिया है। तो क्या होता है ये, चलिए देखते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर्स दोज enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as the Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ETC। संगठित क्षेत्र उन उद्योगों या कामों के स्थानों को शामिल करता है, उन उद्यमों और स्थानों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें क्या हैं, नियमित हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। संगठित क्षेत्र उन उद्यमों या कामों के स्थानों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं और इसलिए लोगों ने और उसमें लोगों को काम का आश्वासन दिया, मतलब वहां पे संगठित है, वहां पे आपको काम मिलना ही मिलना है, मतलब आपका जो काम होगा वहां पे आश्वासन दिया जाता है कि आपको जो है काम नियमित तरीके से मिलता रहेगा। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये सरकार द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है। And have to follow its rules and regulations which are given in various laws. और इसके नियमों और विनियमन का पालन करना होता है और जो विभिन्न प्रकार के कानूनों में दिए होते हैं। They are registered by the government. सरकार द्वारा क्या होता है, ये पंजीकृत किया जाता है। And have to follow its rules and regulation. उन्हें नियमों कानूनों का करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, which are given in various law. जो उन्हें विभिन्न कानूनों में दिए गए, जैसे एग्जाम्पल दिया है सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, कम से कम कितनी मजदूरी आपको देनी ही देनी है वर्कर्स को। इसके बाद है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, इसकी बात करता है, ग्रेजुटी अधिनियम की बात करता है। इसके अलावा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, ये सारे इतने एक्ट हैं। उस एक्ट में जो जो बातें बताई गई हैं उन्हीं बातों के हिसाब से क्या करता है, उनको काम करना होता है, वो काम करना होता है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित होता है, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें सही प्रकार के उद्यम और सही प्रकार के स्थान क्या होते हैं, संगठित होते हैं, जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, मतलब आपको रोजगार मिलेगा लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तों के आधार पर आपको रोजगार मिलेगा। जैसे शर्त क्या है, इसे आपको रूल रेगुलेशन के बिहाफ पे जॉब करनी होगी। मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलते हैं तो आपको इतनी मजदूरी अपने मजदूरों को देनी ही देनी होगी, ठीक है, इतना पेमेंट आपको देना ही देना होगा। फैक्ट्री एक्ट मतलब फैक्ट्री अधिनियम में जो जो बातें हैं उसी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना होगा। तमाम बातें होती हैं, जितनी बातें उस अधिनियम उस एक्ट में लिखी होती हैं सभी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, शर्तों पर नियमित है, मतलब शर्तों के आधार पर काम करता है। संगठित क्षेत्र भैया ये सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियम कानून है, इसी के आधार पर क्या करना है, काम करना है। आगे चलते हैं,
आगे का कह रहा है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीडर्स. सम ऑफ दीज पीपल्स मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या कह रहा है, इसे संगठित कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं. बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसेस, मतलब कुछ इसमें औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं और प्रक्रियाएं होती हैं. सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन, इनमें से कुछ लोगों को किसी के द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है. संगठित क्षेत्र में कुछ लोगों को क्या कह सकते हैं, नियोजित किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है. बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. लेकिन वो स्वयं काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा और विभिन्न प्रकार के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो करना होगा. तो संगठित क्षेत्र के बारे में क्या बता रहा है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, इसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं. क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. क्यों, क्योंकि इसमें कुछ क्या होती है, औपचारिक प्रक्रियाएं होती, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है. सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी अप्लाई, इनमें कुछ लोग जो होते हैं किसी के द्वारा नियोजित नहीं किए जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं कोई उनको उठा के जॉब दे देगा इसमें कि बेटा आ जाओ तुम कल से काम पे आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हाँ, इसमें क्या बताया गया है, बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. क्या बताया गया है, लेकिन उन्हें क्या होता है कि सरकार के साथ वो खुद को अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं और सरकार ने जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उसी को फॉलो करते हुए स्वयं काम कर सकते हैं. ये बात बताई गई है संगठित क्षेत्र के बारे में. वर्कर्स, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्या कह रहा है, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है. इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको सिक्योरिटी दी गई होती है, एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की सुरक्षा होती है. मतलब आप नौकरी जाएगी नहीं, पेंशन मत दीजिए, परेशान मत होइए, एकदम बिंदास होकर काम करिए. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स. क्या कह रहा है, उनसे केवल कुछ घंटों के लिए ही काम करने की उम्मीद की जाती है. मतलब उनसे जो काम होगा दिन भर नहीं कराया जाएगा, सिर्फ कुछ घंटे होते हैं, 10 से 5 काम कराते हैं तो कुछ घंटे ही काम कराया जाएगा. इफ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. क्या कह रहा है कि यदि वे अधिक काम करते हैं, इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर को हिंदी में बोलते हैं नियोक्ता, नियोक्ता जो होता है, एम्प्लॉयर जो होता है, उस ओवर टाइम का क्या करेगा, उस मजदूर को भुगतान करेगा. सेवरल अदर बेनिफिट्स, सॉरी, टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, मतलब क्या करेगा वो जो नियोक्ता होगा, जो मालिक होता है, वो क्या करेगा उसको कि भैया तुमने ओवर टाइम काम किया, तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी. दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, उन्हें नियोक्ताओं से कई अन्य लाभ भी मिलते हैं. तो ये चीजें होती हैं, उन्हें नियोक्ताओं से कई अन्य लाभ भी मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे और भी लाभ मिलते हैं. दे, अगला पॉइंट है, दे गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ATC. क्या होता है, उन्हें अवकाश का भी भुगतान मिलता है, यानी अगर आप छुट्टी लेते हैं तो पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, छुट्टी का भी भुगतान मिलता है. इसके अलावा उन्हें क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी, यानी भविष्य निधि और ग्रेजुटी भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है. भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 है, तो आप PF कटाते हो, तो उसमें क्या होता है कि PF कटाते हो, तो मान लो जैसे आपने 1,000 PF पर मंथ कटाया, तो 1,000 आप कटाते हो, 1,000 गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी तरफ से मिलाती है, तो आपका पर मंथ 2,000 रुपये क्या होता है, उसमें स्टोर होता रहता है. फिर आप जब रिटायर होते हो तो आपको पैसा जो है आपको इकट्ठा मिलता है. इसमें एक फायदा भी होता है कि इसमें जो होता है ग्रेजुटी फंड होता है, PF होता है, इसमें पैसा जो सुरक्षित रहता है. और आपको क्या मिलता है इसमें, संगठित क्षेत्र में क्या होता है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी का भी सैलरी मिलती है, आपको पेमेंट दिया जाता है. दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट. इसके अलावा क्या होता है कि वे आपको चिकित्सा लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं और कानूनों के तहत
फैक्ट्री प्रबंधक को पीने के पानी और सुरक्षित वातावरण जैसी सेवाओं को सुनिश्चित करना होता है। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, मतलब आपको चिकित्सा की भी सारी सुविधाएं रहेंगी, ठीक है। और अंडर द लॉ द फैक्ट्री, मतलब अंडर द लॉ मतलब कानून के तहत क्या बताया गया है, फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर, कंपनी का जो प्रबंधक होता है वो इंश्योर करता है क्या, फैसिलिटीज, आपको सुविधाएं देता है, जैसे कि लाइक ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी आपको वहां उपलब्ध रहेगा, एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और आपको वहां पे सुरक्षित कामकाजी वातावरण भी मिलेगा। मतलब आप वहां जहां काम कर रहे हो डर रही कोई बात नहीं है, सब कुछ सेफ है, पीने का पानी मिल रहा है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको मेडिकल बेनिफिट ही मिलेगा। ये सारी सुविधाएं जो होती है कंपनी के द्वारा की जाती है, इसमें संगठित क्षेत्र में। आगे क्या है, लास्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन दे रिटायर द वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल, जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तब क्या होता है, दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल, तो इन श्रमिकों को क्या दी जाती है, पेंशन भी मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब लेकिन याद रखिएगा, अब आने वाले समय पेंशन नहीं मिलेगी, अब पेंशन बंद हो चुकी है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज by small and scattered units which are largely outside the control of the government. Unorganized का मतलब होता है असंगठित क्षेत्र। इसमें क्या बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र की विशेषता छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं, छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं, एंड क्या बता रहा है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और ये सरकार के नियंत्रण से क्या होती है, बाहर होती है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उस पर सरकार का कंट्रोल होता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, जॉब हियर आर लो पेड एंड ऑफ्टन रेगुलर। क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर। क्या कह रहा है कि ये नियम और कानून होते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि नियम और कानून तो होते हैं लेकिन इनका पालन क्या होता है, नहीं किया जाता। देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट, वहां पे नियम कानून होते हैं बट दीज आर नॉट फॉलोड, लेकिन उसका पालन नहीं होता। जॉब हेयर आर लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर, और नौकरियां क्या होती है, कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित छुट्टियां भी नहीं होती। जॉब क्या होती है, कम पेमेंट वाली होती है, मतलब कहाँ पे सैलरी भी आपको कम देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, मतलब यहाँ पे ओवर टाइम करने कोई प्रोविजन नहीं होता है। पेड लीव होता है, पेड लीव का मतलब अगर आप छुट्टी लेते हैं, हॉलीडेज लेते हैं ड्यू टू सिकनेस ईटीसी, यहाँ पे क्या होता है कि ओवर टाइम, पेड लीव, छुट्टियां बीमारी के कारण आदि कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं कि आप जब समय से ज्यादा काम कर देंगे तो आपको और पैसा मिल जाएगा, ना। पेड लीव, हॉलीडेज, कुछ नहीं मिलता आपको लीव, जो इसमें मतलब कुछ भी नहीं मिलता, बीमारी के कारण भी, सिकनेस के कारण भी आपको छुट्टियां वहां पे नहीं मिलती, अगर कोई प्रावधान नहीं है, अगर आप लेते हैं तो आपकी सैलरी कट जाती है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रोजगार सुरक्षित वहां पे नहीं है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, वहां पे लोगों को बिना किसी कारण के भी निकाला जा सकता है। व्हेन देयर इज अ लेस वर्क, व्हेन जब कम काम करना होता है, सच एज ड्यूरिंग सम सीजन, तो जैसे कुछ मौसमों के दौरान कम काम करना होता है तो क्या होता है, सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, तो कुछ लोगों का कहते हैं कि भैया तुम छुट्टी पर चले जाओ, काम को काम छोड़ने के लिए कहा जाता है। जब काम कम रहेगा तो बहुत से लोग को निकाल देते हैं, ये होता है। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, बहुत कुछ नियोक्ता की सनक पर भी निर्भर होता है। नियोक्ता की सनक मतलब जैसे जैसे मालिक का दिमाग होगा वैसे होगा, रखेगा तो रखेगा तो निकाल देगा। तो सोचिए क्या होता है, यहाँ पे ना आपको छुट्टी का पैसा मिल रहा है, ना आपको कुछ मिल रहा है, और नए सेक्टर में सब मिलता था, ये सारी चीजें होती है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन द ओन एंड हेयर लेबर्स एज द व्हेन द रिक्वायर। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल है जो अपनी छोटी नौकरियों, इस सेक्टर में बहुत से ऐसे लोग इंक्लूड है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोग ऐसे इंक्लूड हैं, हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन ड्यूरिंग स्मॉल जॉब, जो अपनी छोटी नौकरियों जैसे
सेलिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ड्यूरिंग रिपेयर वर्क, जैसे सड़क पर बेचना, सड़क पर सामान बेचना, मरम्मत करना आदि। इसी तरह सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन, इसी तरह क्या बताया गया, किसान अपनी मर्जी से काम करते हैं और मजदूरों को आवश्यकता पड़ने पर काम पे रखते हैं। ओन हेयर लेबर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो ये इसमें कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है, असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में वो लोग भी आते हैं जो स्मॉल जॉब करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, सड़कों पर बेचते हैं, किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, सभी आते हैं असंगठित क्षेत्र में। तो ये था संगठित और असंगठित क्षेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो हेडिंग हमारा दिया हुआ है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कैसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कर को, किसमें, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, इन द रूरल एरिया। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इन द रूरल एरिया, ये इन द रूरल एरिया, रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्रेसेस ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, स्क्रैपर्स एंड आर्टिशंस सच एज वीवर, ब्लैक मिथ्स, कारपेंटर्स एंड गोल्ड मिथ्स। क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर कौन कौन होता है इसमें, लैंडलेस मतलब भूमिहीन, भूमिहीन होते हैं एग्रीकल्चर लेबर्स, खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, छोटे और सीमांत किसान होते हैं जिनके पास जमीनें बहुत कम होती हैं वो होते हैं, इसके अलावा बटाईदार और कारीगर होते हैं। इसके ऊपर से मतलब होता है बटाईदार, आर्टिशंस का मतलब होता है कारीगर, सच एज वीवर्स जैसे कि बुनकर, वीवर्स मतलब जो बुनने का काम करते हैं, ब्लैकमिथ मतलब जो होते हैं लोहार होते हैं, कारपेंटर्स मतलब जो बढ़ई होते हैं, और गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अगर जाएंगे तो वहाँ असंगठित क्षेत्र में यही लोग आते हैं, ऐसे लोग जो लैंडलेस होते हैं, जो जमीन नहीं होती, जो खेतों में मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, जमीनें जिनके पास कम होती हैं, बुनकर्स होते हैं, सुनार होते हैं, ये सब किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं, ग्रामीण एरिया में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्रेसेस मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ETC, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लॉड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स ETC। क्या कह रहा है कि अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से छोटे पैमाने के उद्योग में श्रमिक, मेनली ऑफ वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योगों में श्रमिक, कैजुअल वर्कर्स मतलब इसमें होता है, और आगे का ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मतलब आकस्मिक श्रमिक, कैजुअल वर्कर्स मतलब अचानक जब को जनसंख्या बढ़ जाती है, सॉरी काम बढ़ जाता है तो अचानक से मजदूर अलग से बुलाने पड़ते हैं, तो कैजुअल वर्कर्स आकस्मिक श्रमिक, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद निर्माण हो गया, व्यापार और परिवहन, ट्रेड माने व्यापार, ट्रांसपोर्ट माने परिवहन। तो शहरी क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मेनली ऑफ वर्कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हैड लॉड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स ETC। और क्या आते हैं, आकस्मिक श्रमिक जो सड़क पे जो विक्रेता होते हैं, सड़क स्ट्रीट वेंडर्स में सड़क कुछ सामानों को बेचते हैं, सड़क विक्रेता हो गए, सिर के भार सर पे उठाने वाले जो श्रमिक होते हैं, मजदूरी करते हैं सिर पे सिर के भार लेकर चलते हैं, गारमेंट मेकर्स हो गए, गारमेंट मेकर्स मतलब जो कपड़ा को कपड़े के निर्माता जो कपड़ा बनाते हैं, ये सब क्या होते हैं, रैग पिकर्स, चीर बीनने वाले आदि, ये सब काम करते हैं। तो शहरों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आता है, वो सभी लोग आते हैं, छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स आते हैं, ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, और सड़कों पे काम जो बेचने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, ये सब लोग क्या होते हैं, अर्बन। तो अर्बन में ये लोग आते हैं, और शहर में कौन कौन आता है, वीवर्स, ब्लैकमिथ्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, ये लोग शहर में आते हैं, ग्रामीण में आते हैं, सॉरी। अगला है, वी ऑल्सो फाइंड द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड बैकवर्ड्स कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम यह भी पाते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट
मतलब अनुसूचित जाति, ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, बैकवर्ड कम्युनिटी मतलब पिछड़े हुए समुदाय फाइंड देमसेल्फ इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि इसमें बहुत जो लोग काम करते हैं वो अनुसूचित जाति के होते हैं, अनुसूचित जनजाति के होते हैं, और पिछड़े समुदाय के लोग जो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अधिक पाए जाते हैं। तो ये संगठित और असंगठित क्षेत्र था, ठीक है। अगला इसमें है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देयर आर टू सेक्टर इन द टर्म ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, स्वामित्व यानी मालिक। स्वामित्व के आधार पे जो है सेक्टर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सबसे पहले दिया हुआ पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के पास अधिकांश संपत्ति है, सरकार के पास अधिकांश संपत्ति और सभी सेवाएं प्रदान करती है। जितनी फैसिलिटीज होती है, जितनी भी सेवाएं होती हैं, सब गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट के पास ही क्या होती है, लगभग सारी संपत्ति होती है, अधिकांश संपत्ति उन्हीं के पास होती है। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब आप देख सकते हैं कि रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण है, जो कि सार्वजनिक संपत्ति है, उसमें सरकार का नियंत्रण है। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। निजी क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व जो होता है, सेवाओं का जो वितरण होता है, वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, या तो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होगा या फिर निजी कंपनी के हाथ में होगा। कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आता है आपके एग्जाम में। कंपनी जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, रिलायंस आर आई या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्राइवेट ओन्ड, ये सब क्या होती है, निजी संपत्ति कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर में वो सारी चीजें आती हैं जिसपे सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार सारी सेवाएं देता है, और प्राइवेट सेक्टर में वो आता है जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर किसी एक कंपनी का होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।